हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज मैं आपके सामने एक हब मोटर किट लेके आया हूँ जो कि 36 वोल्ट 350 वाट पे काम करती है, और एक दूसरी किट है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, जो कि 48 वोल्ट 60 वोल्ट में काम करती है, वो भी साइकिल के लिए। दोनों किट साइकिल के लिए है और उसकी रेटेड पावर है 250 वाट। इस किट में क्या क्या मिलता है मैं आपको पहले विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले एक हब मोटर मिल जाता है जिसमें 36 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। ये 36 वोल्ट पे वर्क करती है और यहाँ पे 250 वाट लिखा हुआ है, लेकिन ये 350 वाट में है एक्चुअली। ये 250 वाट कस्टम से बचने के लिए, और एक्चुअल में 350 वाट रोड लीगल है भी नहीं, तो उसके लिए ये 250 वाट लिख के आता है, लेकिन ये एक्चुअल में 350 वाट का है। काफ़ी हैवी मोटर है। इसमें एक तरफ आपका क्रैंक लग जाएगा जो साइकिल का फ्री व्हील होता है। ये सिंगल स्पीड मल्टी स्पीड दोनों गियर लग जाएंगे, दोनों क्रैंक लग जाएंगे, फ्री व्हील सिंगल स्पीड मल्टी स्पीड दोनों। और एक तरफ आपको यहाँ पे एक डिस्क ब्रेक लगाने का मिलता है, लेकिन इसमें इसके इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलता, इसमें आप डिस्क ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस वाले मॉडल में आप डिस्क ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको स्टैंडर्ड वी ब्रेक या फिर हॉर्स शू ब्रेक लगाना पड़ेगा, इसमें आप डिस्क ब्रेक नहीं लगा सकते। तो ये हमारा मोटर काफ़ी हैवी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी प्रीमियम फील आती है इसमें। बस आप लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं लगा सकते, इस तरह आप फ्री व्हील में मल्टी स्पीड सिंगल स्पीड दोनों लगा सकते हैं। और इसका पिन कनेक्टर कुछ ऐसा आता है, और आपको आगे चल के कनेक्शन भी करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक कंट्रोलर मिल जाता है, एक हैतान ब्रांड का कंट्रोलर है। इसमें आपको सारे वायर्स मिल जाते हैं, कैसे कौन से वायर्स किस में लगते हैं ये भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। इसके साथ हमें एक लाइट मिल जाती है, इसके लिए आपको अलग से कन्वर्टर नहीं लेना पड़ेगा, इसी कंट्रोलर में कनेक्शन है। पैडल असिस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, कुछ नट्स मिल जाते हैं वगैरह मोटर को माउंट करने के लिए। यहाँ पे थ्रॉटल मिल जाता है विथ डिजिटल डिस्प्ले इनबिल्ट, और इसका एडजेसेंट ग्रिप, आपको ऑटो कट ऑफ ब्रेक मिल जाते हैं, और ये यहाँ पे आपका स्विच हॉर्न के लिए और लाइट ऑन ऑफ के लिए। सो बेसिकली यही था इस किट में। सारी चीज़ लगा के आप कोई भी एक नॉर्मल जो पैडल ओनली पैडल साइकिल को आप इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी मोटर को कनेक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है, क्या स्पीड आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक 48 वोल्ट का भी आपको एक मोटर दिखाऊंगा, वो भी कैसे क्या काम करता है, उसका कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है, तो आगे चल के देखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको इसके वायर्स के बारे में बता देता हूँ क्या किसमें क्या लगता है। सो बेसिकली ये जो तीन कलर हैं, येलो ब्लू और ग्रीन, ये मोटर के फेज वायर हैं। ये ब्लैक और रेड ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका थ्रॉटल, ये आपका इग्निशन स्विच, ये आपका एक सेकंड, और तो हाँ ये आपका ये जो आप येलो और ये दो कलर जो देख रहे हैं, ये आपका ब्रेक, ये आपका हॉल सेंसर का, और ये आपके लाइट्स और हॉर्न, ये जो दो हैं ये लाइट और हॉर्न में लग जाते हैं, और ये उनका स्विच, और ये जो वाइट कलर का है, दो आप वाइट कलर का देख सकते हैं, इसको कनेक्ट करें सेल्फ स्टडी के लिए है, ये आपको नहीं चाहिए होगा। ये वाला हॉल सेंसर है, इसको लगाना ना भूलें, आप फोकस में नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हाँ ये हॉल सेंसर है। तो ये सब कनेक्शन बेसिक है, बहुत सिंपल है, आपको कोई अलग से वायर लेना नहीं पड़ेगा, जो भी है इसमें सारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको सारे कनेक्शन अभी नहीं करके दिखाऊंगा, मैं बस मोटर थ्रॉटल और इसको इन तीन चीज़ों को कनेक्ट करके इसकी स्पीड क्या है वो दिखाऊंगा। और ये हमारे पास एक दूसरा गेट है जो 48 वोल्ट में काम करता है, और ये हाई स्पीड है। जो पिछले वाली मैंने दिखाई थी वो 36 वोल्ट में काम करती है, आपको इजीली 40 से 45 किलोमीटर उसको स्पीड मिल जाएगी, और उसमें टॉर्क ज़्यादा है, इसमें थोड़ी टॉर्क कम है लेकिन इसमें स्पीड ज़्यादा है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और इसके साथ एक हैतान कंपनी का काफ़ी बड़ा कंट्रोलर आ जाता है, ये 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों में काम करती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 48 वोल्ट में चलाने के लिए ताकि आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाए, और इसमें आपको इजीली 50 किलोमीटर तक की स्पीड मिल जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इतनी स्पीड में कभी ना चलाएं, क्योंकि साइकिल बहुत हल्की होती है कंपेरेटिव टू अदर टू व्हीलर्स लाइक बाइक स्कूटी हो गए। प्लीज़ इसको लिमिट में चलाएं, ऐसे ऑफिशियल रोड लिमिट है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के ऊपर 30-35 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर प्लीज़ ना चलाएं, और उतना चलाने में कोई मज़ा है भी नहीं, साइकिल है थोड़ा धीरे चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। एनीवेज ये कंट्रोल काफ़ी हैवी कंट्रोल है, अगर मैं पिछले वाले से कंपेयर कराता हूँ, ये 36 वोल्ट कंट्रोल और ये 48, देखिए आप साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है साइज़ में,
मैं यहाँ साइड से भी दिखाता हूँ, तो पतला में देखिए कितना मोटा है और कितना चौड़ा है, लंबाई तो आप देख ही सकते हैं। सो बेसिकली ये 36 वोल्ट के लिए है और ये 48 और 60 वोल्ट दोनों में काम करती है। और ये 800 से 48 वोल्ट पे 800 वाट देगी और 60 वोल्ट 1000 वाट देगी। मैक्सिमम करंट इसमें 30 एम्पीयर तक ये दे पाएगी इजीली। एंड ये स्कूटर में भी लग जाता है ये वाला कंट्रोलर। सब वो कंट्रोलर अलग से, कंट्रोलर अलग से मिल जाएगा, मोटर अलग से, मोटर अलग से मिल जाएगा, लेकिन पूरा किट लेने में फ़ायदा है। इसके बाद भी आपको पूरा किट, ब्रेक लिवर्स, फिर आपका थ्रॉटल, लाइट वाइट वगैरह सब साथ में मिलेगा। और ये हाई स्पीड है, 50 में चलती है, ये 40 में चलता है। तो मैं अभी 40 वोल्ट सिस्टम से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कैसे दोनों चलाएंगे, और आपको स्पीड का भी एक अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप लेने में आपको ज़्यादा बेटर होगा। दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के कंपेयर करूँ तो मैं आपको बेसिक कंपैरिजन बताता हूँ। ये वाली जो है लेफ़्ट में 48 वोल्ट पर काम करती है, दूसरी जो राइट में वो 36 वोल्ट पर काम करती है। इसकी जो रेटेड पावर है वो 250 वाट है, इसकी जो रेटेड पावर है वो 350 वाट है। आप 250 लिखा हुआ लेकिन एक्चुअल में 350 वाट की है। इसमें आपको टॉर्क कम मिलेगा, इसमें आपको टॉर्क पूरा मिल जाएगा। लेफ्ट वाले में टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा, इसमें राइट साइड वाले में जो 36 में काम करती है उसमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा और राइट साइड वाले में आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी। और एक फैक्टर है, आप स्पीड उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से तरह के चक्के लगा रहे हैं। आप जितने बड़े चक्के लगाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा लेकिन टॉर्क कमेगा। छोटे चक्के लगाएंगे, छोटा व्हील रहेगा, जैसे 26 हो गया, 27.5 हो गया इंच का चक्का रहेगा, तो आपको टॉर्क बढ़ जाएगा लेकिन स्पीड कम जाएगा। तो आपको आप इस वाले राइट साइड वाले को जिसमें पावर ज़्यादा है उसको आप बड़े चक्के में लगा सकते हैं, और लेफ्ट साइड में जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको आप छोटे चक्के में लगा सकते हैं, ताकि आपको टॉर्क एक बैलेंस टॉर्क मिले। और इस वाले में लेकिन लेफ्ट साइड वाले में आप फ्री व्हील लगा सकते हैं सिंगल स्पीड। आपको मल्टी स्पीड 48 वाले में मल्टी स्पीड गियर नहीं लगेगा, सिंगल स्पीड ही गियर लगेगा। और इसमें डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक लगाने का ऑप्शन आपको शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर डिस्क ब्रेक के माउंट दिए हुए हैं, आप डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। तो 48 वाले में आप डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं लेकिन मल्टी स्पीड गियर नहीं लगेगा। और 36 वाले में आप सिंगल स्पीड मल्टी स्पीड दोनों लगा सकते हैं लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं लगेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है, मैं भी आपको चला कर दिखाता हूँ कैसे क्या चलता है और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, इसके लिए हमने पर्सनली एक स्टैंड बनवाया है, बस मोटर टेस्ट करने के लिए, हब मोटर टेस्ट करने के लिए एक स्टैंड बनवाया, मेटल का स्टैंड है पूरा। अगर मैं आपको स्टैंड अगर दिखा पाऊँ एक सेकेंड, ऐसे इस टाइप में है, ऐसे खड़ा हुआ है और बीच से दोनों कनेक्टिंग रॉड है सारे। सो कनेक्शन हमने ऐसा किया है कि बस हमने बैटरी को कंट्रोलर से कनेक्ट किया है, कंट्रोलर को मोटर से कनेक्ट किया है, और इन सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है ये थ्रॉटल। सो बस ये तीन चीज़, चार चीज़ लगा के देख रहे हैं हम। इसमें पेडल सेंसर हो गया आपका, फिर ऑटो कट ऑफ हो गया, फिर लाइट हो गया, ये सब आप लगा लेंगे खुद, ठीक है। ये सब टेस्ट नहीं होती, मैं इसमें बस RPM दिखा देता हूँ और ये कैसे घूरेगा आपको कैसे समझ में आएगा कि मैंने कितना स्पीड घूम रहा है। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे टेप लगा दिया, ग्रीन कलर का टेप, इलेक्ट्रिकल टेप, तो जब ये रोटेट करेगा आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे इसमें चलेगा लाइट। अब लाइट को अगर फोकस कर दिया तो काफ़ी सुंदर सा छोटा और बहुत बढ़िया डिस्प्ले है ये। इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है, मैं पन्नी अगर छुटा के आपको दिखाऊँ, जी अभी आप अगर मैं फोकस करता हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा छोटा सा बढ़िया डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। सो ये आपका ऑन ऑफ हो गया, एक निशन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो ऑन करके अभी हम जैसे मैं थ्रॉटल इसको धीरे धीरे दूंगा, ये मोटर लग जाएगी घूमने, काफ़ी थोड़ा थ्रॉटल दिया, काफ़ी थोड़ा काफ़ी हल्के थ्रॉटल दी थी मैंने। ये मैक्स हो गया, काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है ये मोटर, काफ़ी कम साउंड कर रहा है, हल्की साउंड होगी। अंदर ये गियर्ड मोटर है तो अंदर गियर है, गियर पे जब ये रोटेट करेगी तो हल्की फुल्की साउंड होगी ही। काफ़ी वो है, काफ़ी फ्री है मोटर, मोटर काफ़ी फ्री है। और ये सडन एक्सलरेट किया हमने, झटके से एक्सलेट करेंगे तो भी ये स्मूथली स्टार्ट होती है, काफ़ी बढ़िया है। सो अभी हमने देख लिया, ये आपका हो गया 36 वोल्ट 350 वाट की मोटर थी, अब हम 48 वोल्ट वाला लगा के देखेंगे मोटर कैसा क्या काम करता है। फिलहाल के लिए हमने मोटर को चेंज कर दिया है और ये उसके कनेक्शंस कर देते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कंट्रोलर सेम है, हाँ कंट्रोलर सेम रखा है मैंने, लेकिन मैं अभी
ये हो गया कनेक्ट, ये जल रहा है, ये करेंगे ऑफ ऑन। और ये अभी 36 में ही काम कर रहा है। और ये कंट्रोलर मैंने छोटा लगाया हुआ है, ये बड़ा वाला कंट्रोलर नहीं लगाया। अभी कनेक्शंस फिर से चेंज करने पड़ेंगे मेरे को पूरा, तो इसी से मैं दिखा देता हूँ ये कैसे क्या घूम रहा है। ऑफकोर्स आप जब बड़ा वाला कंट्रोल लगाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा तेज़ी से ये घूमेगी। फिलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ ऑन और इसे चालू करके आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पीड। ये हम धीरे धीरे दिया थ्रॉटल, तो आप इसको देख के आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो टॉर्क होगा वो कम होगा। और आप ऐसे टेस्ट ना करिएगा मेरी तरह, क्योंकि अगर हाथ चला गया तो आपको चोट भी लग सकती है। सो यही है, धीरे धीरे थ्रॉटल देता हूँ। तो ये दो किट है मेरे पास फिलहाल के लिए अभी, और दोनों में बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट चल रहा है। सो आप दोनों में से कोई भी किट आप ले सकते हैं। और तीसरा किट है मेरे पास जो कि उसमें इन दोनों का मिक्सचर मिक्स किया हुआ फीचर है। किट में जो भी सामान है दोनों में इक्वल है, लेकिन जो तीसरा है उसमें आप डिस्क ब्रेक भी लगा सकते हैं, मल्टी स्पीड गियर भी लगा सकते हैं, और उसमें 350 वाट की कैपेसिटी भी है। तो आपके यूसेज के हिसाब से आपको जो मोटर आपको अच्छी लगती है, जो आप जिस मोटर से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, वो आप से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। एक आप देख लीजिए आपका टेरेन कैसा है, आपका टेरेन अगर स्मूथ है, प्लेन है, तो आप ये मंगवा सकते हैं। अगर आपका टेरेन थोड़ा उबड़ खाबड़ है या फिर उसमें स्लोप ज़्यादा है, फ्लाईओवर्स आपको ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं, तो आप वो 350 वाट वाली मंगा सकते हैं। तो ये आपके ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा कि आपको कौन सी मोटर चाहिए। और इन दोनों किट में क्या क्या मिलता है मैं इसका एक इमेज एक फ़ोटो खींच के आपको छोड़ दूंगा दोनों में, कि आपको क्या क्या मिलता है आपको समझ में आ जाएगा। एक दो चीज़ें की डिफरेंस है दोनों किट में, तो मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा दोनों किट का, उसमें लिख के कौन सा किट कौन सा है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपको क्या सामान मिलने वाला है। और दोनों में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। आपको कोई भी सामान चाहिए होगा ईवी से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके उसको कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके कुछ दोस्त हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा मोटर कहाँ से लेना है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको क्लैरिटी आ जाए। और कोई भी पार्ट चाहिए हो ईवी से रिलेटेड, तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इनके प्राइस डिटेल्स ले सकते हैं, और भी कोई भी सहायता चाहिए हुई वो भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई सवाल हो जो कि लग सकता है कि बाकी लोगों दूसरे लोगों को भी सवाल हो, या फिर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।